गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है वायरल रोग, हम इसको जो है आपको टीच करने जा रहे हैं। वायरल रोग विषाणु के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं और जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां साधारण होती हैं, कुछ बीमारियां भयंकर बीमारियां होती हैं, जिससे कि वो पादप और जो जंतु होते हैं दोनों में जो है अलग अलग तरीके से बीमारियां फैलाते हैं। तो पादप होता है उसमें, जिसको पादप जो होता है, ये क्या करते हैं, जो पादप की मतलब पौधों में जो पत्तियां होती हैं, वो उसमें उनकी सेलों जहाँ पे वो उनकी जो सेल्स होती है उसको जो है पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं को ये नष्ट कर देते हैं और वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और अगर नई जो पत्तियां या नए जो पौधे इनके संपर्क में आएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि जो विषाणु होते हैं, जो उनका वीर्यान होता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है और संपर्क में आते ही तुरंत जो है उनके जो कोशिका में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से वायरसेस में, जो पौधों में इस प्रकार से संक्रमण की प्रक्रिया होती है। तो जैसे आपने तंबाकू की पत्तियों में देखिए रोग लगा होता है, तो अगर उसके नए कोई पत्तियों में अगर आप उसको के साथ में रगड़ दें तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पौधों में संक्रमण की प्रक्रिया होती है, रोग की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक उसी प्रकार से जो जंतु होते हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के जो वायरल डिजीज़ होते हैं, वायरस रोग होते हैं, वायरल रोग, तो वो हमारे अब विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हमारे शरीर में पहुंच के और अलग अलग जो है जो ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि देखिए वायरस जो होता है क्या है, वायरस जो है वो जहर है, वायरस क्या है, ये पॉइजन होता है। तो पॉइजन को उत्पन्न करते हैं और पॉइजन को उत्पन्न करेंगे तो जो हमारी विशेष प्रकार की जो ग्रंथि होती है, विशेष प्रकार के जो हमारे अंग होंगे उनको प्रभावित करेगा, तो वो जो है उनकी क्रियाविधि होगी वो प्रभावित होगी, तो हमारा जो है लगातार हमारा क्षरण होगा, जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के जो है वायरसेस होते हैं जंतुओं के लिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से जीवाणु भोजी जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के लिए होता है, जो बैक्टीरियोफेज के नाम से होता है, तो वो भी संक्रमण करता है। अभी आपने पिछले वीडियो में लाइटिक साइकिल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया। अब जबकि हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, वायरल रोग, तो वायरल रोग जो होता है वो वायरल रोगों के प्रकार पहले पढ़ लेते हैं। वायरल रोगों के प्रकार, के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वायरल डिजीज। अब पहला जो ये है, इसके इन्फेक्शन के आधार पे है कि इसका जो संक्रमण कहाँ कहाँ तक फैलता है। संक्रमण के आधार पे ये जो समस्त प्रकार के जो वायरल रोग होते हैं वो उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो पहला क्या होता है, वो अंग्रेजी में बोली जाती है स्पोरेडिक, जिसको विरल बोलते हैं, विरल जिसको अंग्रेजी में स्पोरेडिक बोला जाता है। दूसरा है हमारा ये अस्थानिक, तीसरा है महामारी, चौथा है सर्वव्यापी। अब इसका भी हम मतलब बता देते हैं, स्पोरेडिक है, इंडेमिक है, इडेमिक है, एंडेमिक, इंडेमिक, इडेमिक और पैंडेमिक। अब इसको आपको समझना है, तो विरल, स्थानिक, महामारी और सर्वव्यापी करके
जो है चार प्रकार के वायरल डिजीज होते हैं और ये जो है अलग अलग परिक्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित होके जो है रोग फैलाते हैं। तो ये जो पहला विरल होता है जिसको स्पोरेडिक होते हैं, कोई एक किसी विशेष स्थान पे, किसी स्थान पे, स्थान पर, ये विशेष किसी स्थान पे पाए जाने वाला जो है वायरल रोग होता है। तो मतलब कि स्पोरेडिक जो विरल वायरल रोग है वो किसी एक स्थान पे ही पाए जाने वाला जो है रोग होता है, वायरस रोग होता है। इससे संपूर्ण जो है वहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे मम्प्स, गलसुआ रोग होता है, बच्चों में ज़्यादातर होता है गलसुआ, गलसुआ रोग, अंग्रेजी में इसको मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स, मम्प्स। तो ये विरल हो गया। स्थानिक का मतलब एंडेमिक। अब स्थानिक का मतलब स्थान से है, जबकि इस प्रकार का रोग छोटे क्षेत्र से फैलता है। स्थानीय मतलब समझ ही रहे हैं, एंडेमिक बोला जाता है इसमें छोटे क्षेत्र परिक्षेत्र में हो, जहाँ पे वायरल डिजीज जो है फैले वो छोटे परिक्षेत्र पे हो, क्षेत्र से हो, तो वो क्या कहलाता है, स्थानिक कहलाता है। तो जैसे एक स्थान विशेष से फैला हो, छोटे एरिया में ही फैला हो, तो उसको जो है स्थानिक या फिर एंडेमिक जो है वायरल डिजीज बोला जाता है। जैसा कि है जो है स्थानिक में कुत्तों से काटने वाला जो रैबीज रोग होता है, रैबीज, रैबीज डिजीज होता है वो महामारी। ये जो एक देश विशेष से, जैसे कि जो रोग, जैसे कह सकते हैं कि इसको एंडेमिक महामारी है, ये रोग जो है बड़े स्तर पे फैल के जो है विशेष प्रकार का ये स्वरूप ले ले, मतलब एक जगह से फैल के और चारों तरफ ये जो है विशेष फैल जाए, तो महामारी का रूप ले लेता है, तो इसको एंडेमिक बोलते हैं। तो महामारी, जैसे हम कह सकते हैं कि डेंगू है, खांसी है, डेंगू और पीत ज्वर है, डेंगू, पीत ज्वर, ये जो सब आते हैं वो महामारी के अंतर्गत होते हैं, जिसको एंडेमिक। सर्वव्यापी, जब ये जो महामारी होती है वो विश्वव्यापी हो जाए, विश्वव्यापी हो जाए, मतलब विश्व के हर जगह पे, हर स्थान पे ये इस वायरल रोग को देख, वायरल रोग जो है दिखाई पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी या पैंडेमिक। तो विश्वव्यापी, जैसे अब आप कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, अभी आपका कोरोना वायरस आया है, तो ये भी देखिए कोरोना वायरस भी जो है इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैला है। तो आप थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, चार प्रकार के। अब हमेशा ध्यान में रखिए कि जो वायरस से होने वाला जो रोग होता है वो चार अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, उसके संक्रमण के आधार पे चार अलग अलग जो है जोन में बांटा गया है। एक विरल, जिसको स्पोरेडिक, किसी एक छोटे विशेष स्थान से में पाए जाने वाला जो वायरस डिजीज है, वायरल रोग है, वो कहलाता है, जिसमें गलसुआ, जो मम्स, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, यहाँ पे जहाँ से स्लाइवा निकलता है वो क्या कर जाती है, सूज जाती है, स्वेल कर जाती है, जिससे ये रोग फैलता है, वो वायरल डिजीज से होता है। दूसरा है स्थानिक, जिसको एंडेमिक बोला जाता है। अब स्थानिक में, एंडेमिक में, जैसे कि ये तो था एक विशेष स्थान पे, ये क्या है, छोटे परिक्षेत्र, मतलब कि मान लीजिए एक पूरा जिला जो है प्रभावित हो जाए, कुछ विशेष स्थान प्रभावित हो जाए उस एरिया, उस जिले के, तो वो कहलाता है स्थानिक। स्थान पे, जैसे स्थानिक मतलब स्थान पे, एक विशेष स्थान पे। तो जैसे रैबीज, जो कुत्ता काटने से रोग होता है हमें, वो रैबीज होता है वो। फिर अगला है महामारी, एंडेमिक। महामारी का मतलब होता है कि जो है देश में या फिर कुछ एकाध देश में ये फैला हो और पूरी तरीके से महामारी का रूप ले लो, बहुत ही ज़्यादा इसका संक्रमण हो और बहुत सारे व्यक्ति या मनुष्य जो है इस संक्रमण में आते हो, तो वो महामारी का रूप ले लेता है। देखिए डेंगू है, पीत ज्वर है ना,
खांसी है, तो इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर यही महामारी पूरे विश्वव्यापी फैल जाए, अलग अलग तरीके से पूरे विश्व के हर देशों में फैल जाए और वहाँ पे के लोग जो है उससे प्रभावित हों और उनसे जो है वो उनकी मृत्यु होने की संभावना बनी रहे, तो वो सर्वव्यापी पैंडेमिक कहलाता है। देखिए एड्स है, जैसा मैंने अभी जो कोरोना वायरस फैला है वो भी पैंडेमिक है, विश्वव्यापी है। तो इस प्रकार से पहले हमने चार प्रकार की कैटेगरी आपको बताई। अब हम बताते हैं आपको कि जो वायरल रोग होते हैं, संक्रमण किसके आधार पे होता है, वायरल रोगों का संक्रमण। अब इनका संक्रमण किसके, मतलब ये माध्यम पूछ रहा है कि जो वायरस का संक्रमण होगा वो किनके आधार पे होता है, किसके द्वारा वायरस जो है वो मनुष्यों तक, किसी जंतुओं तक या फिर जो है पौधों तक वो पहुँचते हैं, तो उसका माध्यम पूछ रहा है। तो पहला माध्यम है वायु के द्वारा, मतलब एयरबॉर्न डिजीज, वायु के द्वारा होने वाला डिजीज, वायु के द्वारा, किसके द्वारा, वायु के द्वारा। अब आप देखिए एयरबॉर्न डिजीज में खास मनुष्य में पाए जाने वाले जितने भी जो हमारे फेफड़ों से संबंधित या फिर हम कह सकते हैं श्वसन से संबंधित जितने भी डिजीज होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी रीजन मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, हाँ फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, हमारे नेजल चैम्बर को प्रभावित करती हैं, वो सब आती हैं। तो ये जैसे इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, खांसी है, हाँ ये सारे जो है ये हमारे नाक से प्रवेश करते हुए हमारे फेफड़ों तक, हमारे जो ग्रसनी होती है और जो ट्रैकिया होती है उसको प्रभावित करती हैं, जिससे हमें खांसी आती है, सर्दी होती है और जुखाम रहता है। इस प्रकार का जो रोग है वो वायरल रोग है और जो कि वायु के द्वारा होने वाला था, एयर के, क्योंकि आपको बता दें एयर के माध्यम से कैसे होगा, यदि कोई एक व्यक्ति संक्रमित है इस रोग के द्वारा, तो अगर उसके आप संपर्क में है और वो छींक रहा है या उसको खांसी आ रही है, तो उसके खांसी या छींक के माध्यम से वो मुंह से निकले हुए जो छींटे होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो ड्रॉपलेट अंग्रेजी में बोला जाता है, वो एयर के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसी नेजल चैम्बर या फिर जो हमारी नासिका होती है वहाँ से प्रवेश कर जाते हैं, तो इसलिए दूसरा व्यक्ति ही इन्फेक्शन होता है। ये इनका अपना इनक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कि इन्फेक्शन जब फैलेगा तो उसका अपना टाइम होता है जब तक कि वो लक्षण ना आ जाए। लक्षण आने में कुछ टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन और कई वर्ष भी लग सकता है। इस प्रकार से तो अलग अलग बीमारियां हैं वो उसका अलग अलग लक्षण होता है। तो पहली वायरल रोग का संक्रमण में आपने देखा कि वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा मैंने कहा कि जुकाम है, जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, ठीक है, ये सारे आदि जो रोग होते हैं वो वायु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो रोग है वो मूत्र जनन मार्ग के द्वारा, दूसरा मूत्र जनन मार्ग के द्वारा आप थोड़ा समझिए, इसके द्वारा कौन सा रोग होगा। मूत्र का मतलब ये है कि जो हमारी यूरोजेनाइटल सिस्टम होती है, मतलब मूत्रोजनन तंत्र जिसको बोला जाता है, वहाँ पे कौन सी बीमारी हो सकती है। हम आपको बताएं यहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ हैं, जैसे कि एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब कि जो है अगर यदि कोई मेल और फीमेल अगर किसी एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो संक्रमित कोई मेल और फीमेल संक्रमित है, अगर उसके साथ में अगर हम जो है संयुग्मन की प्रक्रिया में जा रहे हैं, उसके साथ में इंटरकोर्स की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो संभव है कि वो डिजीज़ उस महिला से पुरुष को और पुरुष से महिला को हो सकता है। और एक विशेष प्रकार का जो रोग होता है वो आपको पता ही है, एड्स रोग, ये कॉमन रोग है जो कि एचआईवी वायरस के द्वारा हम फैलता है। हमने इसको बता चुका हूँ मैं
कि एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है कि जो है कुछ विशेष प्रकार के लक्षणों वाला जो रोग जो कि इम्यून मतलब प्रतिरोधक क्षमता में कमी को रखता है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के माध्यम से फैलने वाला है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मतलब मूत्र जनन मार्ग के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, ये मूत्र जनन मार्ग से आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद जो है संक्रमित जानवरों के काटने से फैलने वाला वायरस वायरल रोग, संक्रमित जानवरों के काटने से फैलने वाला वायरल रोग। अब देखिए ये अगला है कि कोई संक्रमित, अब जैसे आपको मच्छर काटता है या फिर जो है कुत्ता काटता है तो, और कुत्ते के लार में जो है रेबीज के वायरस होते हैं, तो आपको अगर वो कुत्ता काटा, किसी मनुष्य को कुत्ता काटता है तो वो जो है, या किसी जंतु को काटता है तो वो जो रेबीज वायरस होते हैं वो कुत्ते के काटने के समय आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएँ होती हैं, वो ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं और आपके बॉडी तक पहुंच जाते हैं। या फिर डेंगू आपको होता है तो मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर के जो है जो स्लाइबा होती है, जो लार होती है, वो वहां से जब आपको काटती है तो वो उसी के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर जो है पीत ज्वर होता है वो भी जो है इसी प्रकार से होता है। तो इसमें विशेषकर क्या है कि जो जानवरों के हमारे संपर्क में, हमारे जो है काटने से, हमको काटने से हो, तो इसके अंतर्गत हमने का क्या बोला, डेंगू है, डेंगू आता है ना, रेबीज आता है, पीत ज्वर है, ये सारे जो चीजें होती हैं वो संक्रमित जानवरों के काटने से होता है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रेबीज जो होता है इसमें अंग्रेजी में बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, कि जल को देखने से डर लगता है वो जो व्यक्ति, अगर इसका शिकार हो गया तो वो जो है, और इसका प्रभाव नर्वस सिस्टम पे होता है, हमारी गर्दन ऐंठ जाती है, क्रैम्पिंग अंग्रेजी शब्द होता है बोलते हैं। पीत ज्वर जो है ये ज्वर होता है जो कि विषाणुओं के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपने तीन माध्यम देखा। अगले माध्यम की तरफ चलते हैं जो है संक्रमित सुई के द्वारा होने वाला जो रोग है वो संक्रमित सुई के द्वारा होने वाला रोग। अब विशेषकर इसमें एक विशेष प्रकार की रोग आएगी, संक्रमित सुई जो या तो आप कहते हैं सामान्य ढंग के की नसों में सुई लगती है, या फिर हमारी जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, उसमें सुई लगती है, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर अंग्रेजी में बोला जाता है। जबकि हमेशा आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो नए नए डिस्पोजल या सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं हर प्रत्येक अगले व्यक्ति के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति जो है कभी उसी सिरिंज या डिस्पोजल या निडल का इस्तेमाल एक से अधिक व्यक्तियों के लिए कर दिया, अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेष प्रकार का रोग है जो कि सिरिंज के माध्यम से ही होता हो तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी उत्पन्न हो जाएगा। कैसे, हेपेटाइटिस बी इसका एक कॉमन उदाहरण है सामान्य रूप से हमेशा। तो जब किसी हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, बी वायरस इसमें पाया जाता है, और ये जैसे ही किसी भी संक्रमित व्यक्ति के को सुई लगती है, वही सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति को जो है लगा दी जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को के ब्लड में ये वायरस पहुंच जाएंगे और उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। वैसे तो एचआईवी वायरस भी का भी एक माध्यम इंजेक्शन है, एचआईवी वायरस भी जो
संक्रमित जो सुई होती है उसके माध्यम से उसको भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बी। और हमने कहा कि संभव है कि एड्स जो रोग होगा, एचआईवी जो रोग होगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं संक्रमित भोजन और पेयजल, मतलब वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज, वाटर से होने वाला या फूड से होने वाला संक्रमित भोजन, संक्रमित भोजन या पेयजल के द्वारा वायरल डिजीज या वायरल रोग, वायरस से होने वाला रोग। अब जो कि अब आपको इसीलिए बार बार कहा जाता है, आप समझते हैं कि अच्छे स्वच्छ तरीके से साफ सुथरे जगह पे और स्वच्छता के साथ में पानी पीजिए और जो है शुद्ध रूप से खाना खाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भोजन के माध्यम से और हमारे पानी के पीने वाले के माध्यम से, पानी पीने के माध्यम से बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं, अभी तो हम केवल वायरस की बात करते हैं, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी होते हैं, वो उनके माध्यम से हमारे जो हमारा जो पेट होता है, जिसको आप बोलते हैं आंत होती है, हमारा जो स्टमक होता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और ये हम आपको बताएं, जो सबसे ज़्यादा अगर वायरस किसी चीज़ से फैलता है तो वो हमारे खाने और पीने से ही फैलता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम कभी भी अपने खाना खाने जा रहे हों या पानी पीने जा रहे हों, तो इसका ध्यान हमेशा रखा जाए कि वो पानी स्वस्थ है, शुद्ध है, हाइजीन है, या खाना जो है वो वायरस से रहित है या सहित है। तो इस तरीके से हम जो है हमेशा गर्म और तुरंत पकाया हुआ भोजन करें और जो पानी है उसको ढककर पिएं, उसमें क्लोरीन की गोली या फिर इसका इस्तेमाल करें, या फिर इस प्रकार से करें कि जिससे कि वायरस का प्रभाव हमारे भोजन तक ना पहुंच पाए और हमें जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियां ना हो। जो अब इसमें जैसे एक विशेष प्रकार की बीमारी क्या बोल सकते हैं, जैसे पोलियो, पोलियो जो है वो हमारे भोजन के माध्यम से होने वाला ये बीमारी है, ये भी नर्वस सिस्टम पे ही अटैक करता है, इसको साइंस की भाषा में पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं। तो ये मोटर जो न्यूरॉन होती है हमारी, जहाँ से हम पूरे कार्य को कर सकते हैं, वही ख़राब कर देता है, जैसे कि हर चीज़ हमारा जो अंग होता है, विशेष अंग जो जहाँ पे इस वायरस का प्रभाव है वो पैरालाइज हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा, जैसे हमने हेपेटाइटिस बी की बात की थी, तो हेपेटाइटिस बी ए बी सी डी ई कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ और जो हेपेटाइटिस होते हैं उससे भी। अब जैसे कि ये संक्रमित सुई के द्वारा हेपेटाइटिस बी तो होता ही है, और भी माध्यम है जो कि उसमें एक माध्यम ये भी है, और उस प्रकार से हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, हाँ, फूड पॉइजनिंग है, बहुत अलग अलग प्रकार के जो है बीमारियां होती हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर अंग्रेजी में बोला जाता है, कि पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो सब इसी संक्रमित भोजन या फिर पानी के माध्यम से ही होता है। तो आपने दो चीज़ें समझा कि वायरल रोगों के प्रकार या फिर वायरल रोगों का संक्रमण। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, विषाणु संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा। विषाणु संक्रमण के प्रति शरीर की सुरक्षा या प्राकृतिक सुरक्षा। इसका क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा वायरस का, दूसरा वायरल के संक्रमण का, और तीसरा पॉइंट है विषाणु संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई इन्फेक्शन या संक्रमण फैलता है, वो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरसेस हो, क्योंकि हम वायरस पढ़ रहे हैं इसलिए हम वायरस के संदर्भ में ज़्यादा जानेंगे, तो हमारी जो प्रतिरोधक
तंत्र होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं, वो प्रतिरक्षा तंत्र ही, प्रतिरक्षा तंत्र जो है तुरंत क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो तुरंत जो है एक्टिव हो जाती है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर किसी भी माध्यम से जो है वायरस अंदर प्रवेश करता है तो हमारे जो बॉडी जल में रक्त में या रुधिर में जो हमारी कणिकाएं पाई जाती हैं, खासकर जो श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, और जो लिम्फोसाइट होती है, जो टी लिम्फोसाइट होती है, वो इस इन वायरस के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने लगती हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो अपने आप में ही एंटीजेंस होते हैं और उस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करके इनको नष्ट करती हैं, और जिससे कि हमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनी रहे और हमारे हम जो है हर रोग से मुक्त रहें। तो प्राकृतिक रूप से हमारी जो शरीर होती है वो इन सारे जो तंत्र होते हैं उनके आधार पे अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ का हर वायरस के अगेंस्ट में, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एक विशेष गुण स्पेसिफिसिटी का पाया जाता है कि हर एंटीजन के खिलाफ जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र होता है वो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो हमारा जिससे कि जो है सुरक्षा बनी रहे। दूसरी चीज़ है कि हमारी बॉडी एक विशेष प्रकार के इंटरफेरान जो सब पदार्थ होती है उसको निकालती है। इंटरफेरान क्या होता है, जब कभी जो केवल ये वायरस के लिए है, खासकर इंटरफेरान क्या है, इंटरफेरान की बात कर रहे हैं, इंटरफेरान जो है ये क्या है, इंटरफेरान जो होता है वो प्रतिरोधक निरोधक जो है क्षमता होती है, ये तब होती है जब ये एक प्रकार का कह सकते हैं प्रोटीन है, और ये तब निकलता है जबकि कोई एक जो टिश्यू होती है वो वायरस से प्रभावित हो जाए, तो ये जो प्रभावित टिश्यू होगी ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो है सिक्रीशन या श्रावण करने लगती है, और इसके बगल वाली जो कोशिका होती है उसको जो है उस ग्लाइकोप्रोटीन के से जो है क्या करती है, सक्रिय कर देती है या उसको घेर लेती है। तो ये जो है ये किसके आधार पे होता है, वो इंटरफेरान के आधार पे होता है, या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से समझाएं, जब कभी भी हमारे बॉडी में वायरस प्रवेश करता है तो जब एक सेल को संक्रमित करता है तो वो से जो संक्रमित सेल है वो एक मैसेज, एक सूचनाएं देती हैं, वहाँ से श्रावित सूचनाओं को श्रावित करेंगी, और जो कि उसके बगल वाली जो सेल होगी उसको वो जो है उस सूचना प्रदान करेंगी कि वायरस जो है आ चुका है, तो वहाँ से ये जो है इंटरफेरांस नामक प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं, तो जो जबकि दूसरी जो सेल होती है वो वहाँ से इसका सिक्रीशन करके उस वायरस के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने आप की सुरक्षा करती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से जो हमारे हमारे पास इम्यूनिटी है वो कितनी मजबूत होती है। मैंने जैसा बताया कि अलग अलग जो है डिजीज़ के लिए, अलग अलग वायरसेस के लिए अलग अलग प्रकार का प्रतिरोधक तंत्र के माध्यम से एंटीबॉडीज़ और उसकी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लगातार इस प्रकार से चलती हैं, जिससे कि जो है हमारा जो जीवन काल है वो लगातार इस प्रकार से चलता रहे। तो वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ जो ऐसे वायरस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनक्यूबेशन पीरियड होता है, हर वायरस जब प्रवेश करेगा, संक्रमण करेगा, तो उसका जो इन्फेक्शन होगा वो कुछ लंबा होगा, किसी का जो है 2 दिन होता है, किसी का 4 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का महीने और किसी का वर्षों तक होता है। तो इस प्रकार से संक्रमण होने के बाद जो है उसका लक्षण आने में टाइम लगता है, और उस लक्षण के हिसाब से ही जब हम डायग्नोसिस करते हैं और उसका इलाज करते हैं तभी संभव हो पाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से वायरस बहुत ही
ज़्यादा एक्टिव होते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, तो इसलिए वायरस द्विगुणन की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और उनको किस हद तक जो है हम वहाँ पर उनको उनसे बचे रहें। और तो इसलिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी जो प्राकृतिक जो सुरक्षा है, वो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर होता है, वो लगातार उस पर काम करता रहता है जबकि कोई वायरस उसमें प्रवेश कर रहा है। तो इस हिसाब से आपने वायरसेस से होने वाले अलग अलग प्रकार के रोग, उसका संक्रमण और हमारे बॉडी में जो प्राकृतिक सुरक्षा के माध्यम से प्रतिरक्षा तंत्र होता है या उसको उसके माध्यम से एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसको आपने पढ़ा। और एक चीज़ और हम बताते हैं आपको कि विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों का उपचार पढ़ लेते हैं, जिसके माध्यम से अब हम ये देखते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोगों का क्या उपचार है। अभी तक जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो अलग अलग माध्यमों से उसको फैलाता है, उसके खिलाफ़ कैसे प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो बॉडी होती है वो करती है। अब हम जानते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोगों का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, कि अलग अलग प्रकार के जो वायरस से संबंधित जो रोग होते हैं वो किस प्रकार से, किस माध्यमों से जो है वो ठीक किए जा सकते हैं। तो पहला जो माध्यम है वो टीकाकरण है, जिसको आप वैक्सीनेशन बोलते हैं, टीकाकरण, अंग्रेजी में वैक्सीनेशन बोला जाता है इसको। जैसे आप आज समझ रहे होंगे कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो अभी तक टीका नहीं आ पाया है, वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसीलिए लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वायरसेस के खिलाफ टीकाकरण जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फायदेमंद और सबसे लाभकारी होता है। तो उसमें सबसे पहला उपचार करने का जो तरीका है वो टीकाकरण वैक्सीनेशन है, कि जो जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो है कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से जो उम्र की कोई सीमा नहीं होती वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन तो खासकर टीकाकरण जो है बच्चों को दिया जाता है, जैसे खसरा है, खांसी है, पोलियो है और चेचक है, इन चेचक के लिए, खसरा के लिए, है ना, चेचक, खसरा, पोलियो, मेजे, तो ये बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है आदि के लिए क्या होता है, वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेशन से ये लाभ होता है कि जो है वायरसेस का जब प्रभाव होगा तो इस, क्योंकि ये क्या करती हैं हमारे शरीर में जो है उसके खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं, जिस वायरस के कारण ये चेचक, खसरा, पोलियो आदि रोग होते हैं, तो उनके खिलाफ क्या करती हैं वो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं, उनमें विकसित करती हैं और जिसके आधार पर हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, उसके अलावा दूसरा जो है वो रसायन चिकित्सा है। दूसरा क्या है, रसायन चिकित्सा का मतलब होता है केमिकल थेरेपी के माध्यम से जो अलग अलग वायरसेस हैं उनके खिलाफ कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स को प्रदान करना। एंटीबायोटिक्स के माध्यम से विशेष, जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस बी है या फिर जो है क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा है, इन सबको ख़त्म करने के लिए बॉडी को ओरली तरीके से हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, तो उसी को समान रसायन चिकित्सा या केमिकल थेरेपी बोला जाता है। तीसरा जो है एक विशेष प्रकार का है कि विषाणु पोषक कोशिका विशिष्टता, विषाणु पोषक कोशिका विशिष्टता। ये क्या है, विषाणु पोषक कोशिका विशिष्टता ये होती है कि जो विषाणु होता है वो हमारे शरीर के किसी विशेष प्रकार के अंग के कोशिकाओं को ही प्रभावित करता है और वहाँ पे
प्रतिजन, चूंकि क्या वायरस जो वायरस होता है वो खुद एंटीजेंस होता है और उस एंटीजन के आधार पे वहाँ पे जो वहाँ की सेल्स होती हैं उसको प्रभावित करता है। जो जैसे श्वसन कोशिकाओं में जो जुखाम और इन्फ्लुएंजा होता है, जुखाम और इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके लिए देखिए, तो वहाँ पे विशेष प्रकार का ही वायरस आएगा। उसी प्रकार से जो विषाणु मस्तिष्क और पीत ज्वर के लिए होता है, मस्तिष्क व पीत ज्वर के लिए होता है, वो भी अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कि विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट करना पड़े, विशेष प्रकार की विषाणु पोषक कोशिका विशिष्टता, तो जो विशेष अंग के विशेष प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करके एंटीजन प्रोवाइड करता है और उसके आधार पे संक्रमित करता है, जैसे यकृत भी होता है उनको संक्रमित करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग जो है माध्यमों, अलग अलग जो है टेक्निक और ट्रीटमेंट के माध्यम से उस वायरस को हम जो है वायरसेस का जो है क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, डायग्नोसिस और जो है वहाँ पे उसका रेडिमेशन कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, कल हम जो है नए चैप्टर के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।